आज करेंगे फुल वुमेन एम्पावरमेंट पे बात और लिटरली करेंगे, ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा ये चीजें, क्योंकि ट्रेलर ड्रॉप हुए जिग्रा और वैलेंटिना के। वैलेंटिना, एक मिनट, सॉरी, बैलेरीना के। तो मूवी जो कि आने वाली है जिग्रा आलिया भट्ट की और बैलेरीना एना डी आर्मास की, तुम नहीं जानते हो तो तुम जान जाओगे और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कम जानो क्योंकि तुम बिगड़ जाओगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, मैं कहाँ था तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि श्री मंडे को मेरी दादी की डेथ हो गई, तो हाँ इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ा ऐसा वो पता नहीं मैं कौन से स्टेट में था, उस पर बात नहीं करूँ तो अच्छा है, और थोड़ा घर को भी समझना था कि इन चीज़ों में बात नहीं करते, इंटरटेनमेंट देते हैं। देखो स्टेशन के पीछे बहुत लोग हैं जो कभी अगर सक्सेसफुल हुआ तो ज़रूर बताऊँगा, बट अभी एंटरटेनमेंट पे बात करेंगे बिल्कुल। अब जैसे हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो शुरुआत करते हैं अपनी देसी धाकड़ लड़की से, जिसका नाम है सत्या। हाँ लिटरली सत्या है उसका नाम, और उसका भाई एक शेफ है जो कि किसी और कंट्री में जाके फंस चुका है। वो देखने से लग रहा है ताइवान चाइना ऐसा, देखो मैं टाइप कास्ट नहीं करना चाहता बट मेरे को नहीं पता है, कोई मेरे को ये करेक्ट नहीं करना कि ताइवान जापान में आता है, टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। तो सत्या का भाई अंकुर फंस चुका है किसी केस में और जेल के अंदर 3 महीने बाद उसको कर दिया जाएगा इलेक्ट्रीफाई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। जो कि सेंटेंस मिली है उसको कोर्ट के ऑर्डर्स पे, क्यों मिली है कैसे मिली है वो मूवी में ही देख के समझ आएगा। और पेशे से जो अंकुर है वो शेफ है, एक शॉट में पता चल जाता है वो फायर वाला, वो तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे ट्रेलर तो शायद से समझ आए, नहीं तो तेजी में भगाओगे बिना निकल देखे तो नहीं समझ आएगा। और तारीफ करनी पड़ेगी वसंत बाला सर की, मतलब टिपिकल एक्शन मूवी नहीं बना रहे हो तुम, तुम्हें पता है कि एक ड्रामा है, तुम इस ड्रामा को कितना ही क्लोज इनफ रख सकते हो लाइफ से, वो वाली चीज़ आ जाती है जब तुम ऐसी मूवीज बनाते हो। और ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा डिफरेंट टेक के साथ कुछ अच्छा आने वाला है, और अगर आएगा तो पता चल जाएगा क्योंकि 11 तारीख को आएगा, उसके 8 दिन बाद मेरा बर्थडे है। तो देख सतर बिल्कुल बता देंगे कब तुम्हें विश करना है, ठीक है, तो तब तक आ जाएगा तो मैं जरूर देख के बता ही दूंगा कि कैसी मूवी है। बट टू बी ऑनेस्ट देवरा से अच्छी होने वाली है, देवरा को भी बीच में ला रहा हूँ, देवरा कल रिलीज है और मेरे को पता नहीं, स्पेक्टिकल हूँ मैं मूवी को अभी भी लेके कि देवरा नहीं अच्छी होगी। तो हम बात करेंगे सत्या पे, सत्या बचपन से ही अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है, जैसे हमें पिछले ट्रेलर में पता चला, ये थ्रिल ट्रेलर है इसमें हमें पता चला कि उसने हमेशा अपनी बहन होने का फर्ज निभाया और अपने भाई की रक्षा करी है, और वो जो रक्षाबंधन की कसम उसने ली थी अपने भाई से वो उसको पूरा करती है और हमेशा लड़ने के लिए चली जाती है। और जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आलिया दीदी ने आलिया भट्ट का जो रेज पागलपन है वो रणबीर कपूर से कुछ शॉर्ट्स में मेल खाता है, जो कि समझ आता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन उठाई जा रही है। जैसे कि एक शॉर्ट था कि मैं अभी हाथ काट लूँ तो मेरे को वहाँ मिल देंगे ना, मैं काट लूँ, अरे मुठ मैं दाग नहीं कर रही हूँ काट दो, ऐसा प्रोसीजर है क्या, मतलब तब समझ आता है कि साइको तो हो चुकी लड़की, बचा के लाएगी, क्योंकि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दोस्त ने या तुम्हारे भाई ने कुछ करा नहीं है बट उसकी सजा वो काटेगा क्योंकि वो जगह वहाँ प्रेजेंट था, और 3 महीने बाद वो मर जाएगा, तुम्हारे को बॉडी भी नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे, जितने एफर्ट्स मार सकते हो मारोगे। और उसकी बहन है निडर, तो वो क्या कहती है मैं ट्रेनिंग लूंगी और मैं जाऊँगी बचाने अपने भाई को अंकुर को बचा के लाऊंगी, और वो जो बचाना है जो एस्केप करने वाला प्लान है वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा पूरी मूवी में, क्योंकि वाई नॉट। अब बात करते हैं अपनी एना डी आर्मास के बारे में, ठीक है मुझे गाली देने से पहले मैं बता दूँ ये नहीं चलती फिरती को कहीं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो भला की खूबसूरत एना डी आर्मास है जब भी वो आती है एक ड्रेस में, अच्छी ड्रेस में, खूबसूरत ड्रेस में, जैसे क्लब टाइप ड्रेस होती है, जो उसके बाद जब वो उसमें बंदूक जो लेके आती हैं जो एक्शन होता है यहाँ बिल्कुल दर्द होता है कि क्या तुम समझ रहे हो सिंपिंग कर रहा था मैं, ठीक है। अब मूवी की बात करते हैं, मूवी है जॉन विक की यूनिवर्स की, तो तुम्हें पता है एक्शन मिलेगा, और एक्शन कैसा मिलेगा तो इस ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है जो ईव है, जो एना डी आर्मास का कैरेक्टर है ईव का, वो बचपन में अनाथ हो जाती है और हॉस्पिटल में बैठी होती है, उसी टाइम शायद से उसके पापा की मौत होगी और विंस्टन उसको अपना लेगा, अडॉप्ट कर लेगा और उसको कहेगा कि आओ तुम्हें नृत्य कला सिखाते हैं, उसके साथ साथ कुछ सेल्फ डिफेंस भी दिखाते हैं ताकि तुम जॉन विक जैसी हो जाओ, फीमेल जॉन विक बन जाओ इस यूनिवर्स की, और वही बनने के कगार पे है क्योंकि व्हाई नॉट,
जब चांस है तो वाई नॉट, सीधी बात। तो ऐसे ही है एना दया मस्करती और उनका कैरेक्टर जो ईव का है, वो कुछ साल बाद जब ट्रिगर होगा, मेरे हिसाब से वो ट्रिगर पॉइंट होगा जब विंस्टन को भी मार देंगे लोग, कैसे मारा वो हमें पता है, तो फिर वही कसमकश चालू होगी कि मैंने सीख रखा है कि कैसे लोग मारने और ऐसे सीन्स को मारने की ट्रेनिंग ले रखी है मैंने, जो वो ग्रुप था, अब वो ग्रुप का नाम याद नहीं, सॉरी गाइस। हाँ, तो जो ये चीजें हैं, जो लड़ाई है वापस चालू होगी सेम पैटर्न पे, बस पिछली बार किसी का कुत्ता मारा था उसने सबको मारना चालू किया था, इस बार किसी के बाप का बदला वापस लेना है। तो बेटियां बहनें बिल्कुल पावर मोड पे आ चुकी हैं और जब भी आएंगी मजा आएगा। देखो सिंपिंग नहीं रुकेगी क्योंकि मैं सिंप करता हूँ, सच है, पसंद है बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे मूवी अच्छी बना दी। देखो लास्ट मूवी उन्होंने जॉन विक दिखा दिया, तो ये मत समझना कि आधी मूवी में जॉन विक सपोर्ट करेगा, नहीं 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 नहीं, जॉन विक सपोर्टिंग कास्ट में है जो कि एक शायद था मेरे हिसाब से लास्ट फाइट से पहले उसको हेल्प करने आएगा, जो कि होना चाहिए 10 से 15 मिनट का सीक्वेंस, इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो जॉन विक ही और टेक ओवर कर लेगा। अगर तुम्हें नहीं पता इनकी पहली मूवी नहीं है साथ में, और अगर तुमने वो दूसरी मूवी देख रखी है जिसमें ये एक साथ थे, तो तुम मेरे साथ काले बादलों में घिरे हुए हो, उस पर कभी और बात करेंगे। बट मूवीज दोनों अच्छी होने वाली हैं और ट्रेलर टीजर से मज़ा आ रहा है। और मैं बैलरीना के बारे में और भी बात करना चाहूँगा कि कैसे होने वाली है मूवी और बैकग्राउंड चेक उसके बारे में ढूंढूंगा और ज़रूर वापस आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज से दुरुस्त रहना, और जब तक तुम्हारे अपने हैं उनको प्यार करते रहो, ताकि बाल में जाने का गम ना हो थोड़ा, और होगी तो कम हो कि हाँ तुमने उनको दे दिया वो प्यार जो तुम चाह रहे थे दे सको। ठीक है, बाद में गम नहीं होना चाहिए। बाय बाय।